हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं ब्रसल में आई हूँ, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है। सुबह के 5:30 बजे बस पकड़ के यहाँ पे आए हैं। अभी 9:30 बजे हैं। ब्रसल घूमेंगे, पूरा सिटी टूर करेंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं एक जगह जिसके नाम है मिनी यूरोप। तो वहाँ हम लोग विजिट करने जा रहे हैं। तो चलो दिखाते हैं कैसे वो जगह है। एक बड़ा सा पार्क है जहाँ यूरोपियन यूनियन के अंडर जितनी भी कंट्रीज है वहाँ के फेमस प्लेसेस बिल्डिंग्स की मिनी साइज रेप्लिका बनाए हैं। मिनी यूरोप से कुछ ही दूर है एटोमियम। तो अभी हम एटोमियम आए हैं। ये बिल्डिंग ब्रसल्स की लैंडमार्क बिल्डिंग है। अगर आप ब्रसल्स घूमने आए तो ये बिल्डिंग ज़रूर विजिट करना। ये बिल्डिंग को केमिकल स्ट्रक्चर की तरह बना है। इसकी सिग्निफिकेंस है मॉडर्निज्म। सबसे टॉप फ्लोर में आपको पैनोरमिक व्यू दिखाई देगी पूरे ब्रसल्स की। यहाँ से मिनी यूरोप दिखाई दे रहा है। इस फ्लोर में रेस्टोरेंट भी है। अगर आप चाहें तो पैनोरमिक व्यू के साथ खाना भी एंजॉय कर सकते हैं। इस बोर्ड में लिखा है कौन सी सिटी इस बिल्डिंग से कितने दूर और कौन सी डायरेक्शन में है, जैसे टोक्यो, बर्लिन, मॉस्को, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली यहाँ से सीधा एग्जैक्टली 6,424 किलोमीटर दूर है। हेलो न्यू दिल्ली फ्रॉम बेल्जियम। मेरे हस्बैंड अभी नोटिस किया कि यहाँ पे दिल्ली की स्पेलिंग गलत लिखा है, न्यू दिल्ली लिखा है। वेरी फनी। ये जो स्पेयर्स है ना, इसके बीच जो कनेक्टिंग ट्यूब्स दिखाई दे रहा था, इसके अंदर ऐसे स्टेयर्स, एस्केलेटर और एलिवेटर्स है
जहाँ से आप एक स्पेयर से दूसरे स्पेयर जा सकते हैं, जैसे कि अभी मैं जा रही हूँ एक स्पेयर से दूसरे स्पेयर। अभी आ गए हैं ब्रसेल्स की सेंट्रम में। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। चारों तरफ रेस्टोरेंट और बहुत पुरानी बिल्डिंग दिखाई दी। इस स्ट्रीट से अगर सीधा जाओ तो द ग्रैंड प्लेस आ जाएगा, और ये बहुत ही फेमस जगह है, बहुत ही फेमस जगह। ये है द फेमस ग्रैंड प्लेस। यहाँ पे तो सेलिब्रेशंस होता है, इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, हर टाइम कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस होता ही रहता है। ऑल टाइम वेरी बिजी एरिया है ये, और पब्लिक से तो हर टाइम भरा होता है। अभी एक परफॉर्मेंस चल रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा ना फिर दूसरी परफॉर्मेंस शुरू हो जाएगी। दिस स्क्वायर इज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस ऑफ दिस सिटी। मिड अगस्त में अगर आओ ना, यहाँ पे फ्लावर फेस्टिवल होता है, पूरे एरिया फ्लावर कारपेट से बिछाया जाता है। क्रिसमस में भी सेलिब्रेशन होता है यहाँ पे, और भी बहुत सारे सेलिब्रेशन यहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये स्क्वायर बहुत ही पुराने ज़माने में बनाया गया है। इसके चारों तरफ जो बिल्डिंग्स है वो सब कुछ रॉयल बिल्डिंग्स है, बहुत ही पुराने हैं ये सब। जिस बिल्डिंग के आगे ये परफॉर्मेंस हो रहा है, ये बिल्डिंग है किंग्स हाउस।
ये है द हाउस ऑफ ड्यूक्स ऑफ ब्राबंट। ये भी रॉयल हाउसेस है, ये सब रॉयल हाउसेस है जो कि डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट किंग्स के द्वारा बनाया गया है। और ये है द ब्रसेल्स सिटी म्यूजियम। यहाँ से आप हॉर्स सफारी भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको हायर करना पड़ेगा हॉर्स सफारी के लिए। अभी जा रहे हैं मार्केट के अंदर जो कि ग्रैंड प्लेस की सराउंडेड है। बेल्जियम कंट्री 3 कंट्रीज से घिरा हुआ है, नीदरलैंड, जर्मन और फ्रांस। इसलिए इस कंट्री में डच, फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज बोला जाता है। इसकी कोई अपनी लैंग्वेज नहीं है। जहाँ भी जाओ बंजोर बोल के बातें शुरू करते हैं। ये एक फ्रेंच लैंग्वेज है जिसकी मतलब है फ्रेंच में हेलो। और एक स्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस हो रहा है हर टाइम। यहाँ पे कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस होता ही रहता है, जैसे कि मैं पहले बोली थी। बेल्जियम की पोटैटो फ्राइज वर्ल्ड फेमस है। अभी हम लोग पोटैटो फ्राइज ट्राई कर रहे हैं और इसके साथ फ्राइड चिकन फिंगर। Thank you.
अभी फिर से हम लोग मार्केट के अंदर चल रहे हैं। तो चलते चलते बेल्जियम चॉकलेट की दुकान मिल गया, तो चलो चलते हैं कुछ चॉकलेट खरीदने। ये और एक फेमस बेल्जियन स्कल्पचर है, इसके नाम है मैनिकन पीस। ये एक छोटा सा नेकेड बच्चा है जो यूरिनेट कर रहा है। इसको कभी कभी ड्रेसअप भी कर दिया जाता है, जैसे कि आज कुर्ता पाजामा पहना है ये। अभी बेल्जियम की वर्ल्ड फेमस वाफल ट्राई करने की बारी है। पोटैटो फ्राइज के साथ वाफल भी बहुत फेमस है यहाँ की। बहुत सारे टॉपिंग्स के साथ सजा के रखा हुआ है, अपनी पसंद से आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने लिया वॉफल के साथ चॉकलेट स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम, और मेरे हस्बैंड लिए बनाना विथ क्रीम। फिर से हम आ गए ग्रैंड प्लेस में कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए, यहाँ पे बैठ के यहाँ का नज़ारा एंजॉय करने के लिए। यहाँ और एक परफॉर्मेंस अभी चल रहा है। अभी हम वॉक कर रहे हैं बाय द रेस्टोरेंट्स। ये स्ट्रीट पूरा रेस्टोरेंट से भरा हुआ है। ये है इंडियन रेस्टोरेंट्स विद इंडियन फ्लैग हैंगिंग आउटसाइड। तो ब्रुसेल आज जितनी हो सके हम लोग घूम लिए। आज एक दिन की जर्नी थी, तो आज ही हम लोग घूम के घर वापस जा रहे हैं। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छे लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।